मौत के मुंह से बचा लेगा इन चार बीमारी के लोगों को। 4 मिनट का यह वीडियो आप सभी मित्रों को हमेशा काम आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गोटू कोला का फायदा बताऊंगा। हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, इस प्रकार से इसे गोटू कोला के नाम से जानते हैं और हो सकता है इसे आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता हो। आयुर्वेद में इसका काफी प्रयोग होता है दोस्तों। ये शरीर को स्वस्थ रखता है, ताजगी प्रदान करता है। यदि आप कम उम्र में ज्यादा बूढ़े नजर आते हैं तो इसका प्रयोग करके अपने उम्र के कारण जो आए हुए झुर्रियां हैं, दाग धब्बे हैं, बहुत सारे परेशानी को दूर कर सकते हैं। यह वीडियो बहुत ही गजब बनने वाली है क्योंकि अधिकतर यूट्यूब में अभी तक किसी ने गोटू कोला के फायदा नहीं बताया होगा, तो मैं आप लोगों को फ्री में आयुर्वेद की जानकारी सिखाता हूँ और मैं काफी मेहनत करूँ दोस्तों हमारे भारत भूमि से आयुर्वेद की जानकारी समाप्त न करके आप सभी मित्रों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हम चाहते हैं कि भारत के हर भूमि में, हर कस्बे में हर बंदे को आयुर्वेद की जानकारी हो। तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गोटू कोला के अगर मैं फायदे की बात करूं तो यह बुखार को दूर करता है मित्रों। जी हां दोस्तों, इसके पत्ते का 1 चम्मच रस और 1 चम्मच सियली की पत्ती का रस मिला करके, सियली क्या जानना चाहते हैं तो गूगल में सर्च करके देख लेना, मिला करके अगर प्रतिदिन सुबह शाम सेवन किया जाए तो बुखार ठीक हो जाते हैं। 3 दिनों के भीतर में बुखार ठीक हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, पेट की बीमारी दूर करने के लिए आम का छिलका, अनानास का 1 छोटा पत्ता, कच्ची हल्दी का रस 4 से 5, गोटू कोला के पेड़ की जड़ों की अच्छी तरह से इस सबको मिला करके धोने को बाद एक साथ रस निकाले सभी का और खाली पेट खाने से पेट की बीमारियां ठीक हो जाती हैं या छोटे बच्चों में अधिक प्रभावी होता है। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए भी पपीते के साथ दोस्तों थीसुनी के पत्ते को मिला करके प्रतिदिन 1 महीने तक खाने से पाचन शक्ति बढ़ जाती है। इसे कई जगह थीसुनी के नाम से भी जानते हैं। काली खांसी है तो 2 चम्मच गोटू कोला के रस में थोड़ी सी चीनी मिला करके खाने से काली खांसी दूर हो जाती है। 1 सप्ताह तक खाने से पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अगर अतिसार है तो कुछ दिनों तक रोजाना सुबह शाम थोड़ी सी गोटू कोला के पत्ता खाने से अतिसार ठीक हो जाते हैं। पेट के दर्द हैं तो गोटू कोला के पत्ते को थोड़ा गर्म चावल के साथ खाने से पेट के दर्द ठीक हो जाते हैं और इसका रस निकाल करके पीने से लीवर के फिल्टर हो जाती है, यानी कि लीवर की पूरी तरीके से सफाई हो जाता है। तो ये थे दोस्तों गोटू कोला के फायदे, जिसके बारे में अभी तक कि शायद आपको जानकारी नहीं हुआ होगा। यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।